ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आप जानते हैं कि आम तौर पे घुटने वाली बीमारी होती है, आर्थराइटिस होती है, ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस होती है और जितनी भी आर्थराइटिस होती हैं उसके अंदर। अच्छा। ये बहुत ही कॉमन है, करीब करीब हिंदुस्तान में 10% लोगों को होती है, करीब 9-10 करोड़ लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ होती है और इसके लिए कोई कारगर इलाज भी नहीं है, ना इसके लिए कोई कारगर कदम उठा रहा है। तो इसी पे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग इसको, ये जो वॉकाथॉन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग। और उसके लिए हम लोगों ने तय करा हुआ है कि हम लोग 6 नवंबर को नेशनल ऑस्टियोआर्थराइटिस डे मनाएंगे, उस दिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये वॉकाथॉन कहाँ से कहाँ तक होगी? छोटा ही डिस्टेंस है, कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। ये हमारा साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर है, अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, उससे शुरू करके हमारा APJ अब्दुल कलाम सेंटर है, वहाँ तक ये जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप जानते हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी थी, उनका ऑपरेशन तक हुआ था। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, सीधी बीमारी। ओके।